हाँ, हेलमेट कोनी, सीट बेल्ट कोनी, लाइसेंस कोनी, इंश्योरेंस कोनी, आरसी कोनी, पोल्यूशन कोनी, गाड़ी में गैर कानूनी पार्ट्स लगा रखे है या नंबर प्लेट में कोई गड़बड़ है? के बात है बंटी, कानून का हाथ तो लंबा सुनिया, तेरी तो जबान ही लंबी है नादान पुलिस ने। अरे मैडम जी, अंग तो सब चीजें हैं और आने किसी चीज की जरूरत भी कोनी, हूँ तो आने पैदल में तन पकड़ ले रहा हूँ। अरे तो बंटी, पैदल ही चलान का दुकान ना शुरू कर दिया तू। अरे नहीं मैडम जी, ये तो मेरा उस्ताद जी है, यूँ थानू बतायो नी बे भविष्य बताओ जी का। ओ हाँ, इनके जा रही है, मैं सोचा रहा दर्शन करवा दू थाने। अरे पैरम गिरने की जरूरत कोनी, पहले चमत्कार दिखाशिया फिर नमस्कार कराशिया। हाँ मैडम जी, खड़ा हो जाओ, अबे उत्साह जी थाने भविष्य बताए थारो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तन कौन बताया कभी? हूँ तो मैडम जी थोड़ थोड़ दे रहा हूँ, पूछते रहो। इरो बताया होगे कि तेरे मैडम रहा, तू कभी पढ़े डोगे नहीं, आज पढ़ी और तू बीर कर तेरी उस्ताद ने, नहीं जन जम्मू रे उस्ताद ने दोनों ने मैं टेकुली। तू तो कहड़ा माय ना करना टेकी, मैं टिका हूं तन्ने मार चरणा में सिंह जाऊं पहला पहला, और तू क्यों नहीं मारी मैडम ने आज तक, कोई टोपी कौन बना सक्यो? हां सही है, ओके। तो मैडम रो भविष्य बता रियो है, आ सिंह जाऊं पहला पहला इनको टोपी पहना सी, फिर मैडम मेरे चरणा में सी। और तू जावे है कि नहीं, भविष्य तेरा संकट में लागे है मने। अरे मैडम जी, अरे केवड़ी एक एक बात सच्ची हुआ है। देखी तू अबे नहीं। ए मैडम जब मेरी बात सुनो, ए जी की टोपी पहनाने वाली बात केर गया नहीं, आ अगर सच्ची होगी तो मान जो। हाँ ठीक है। अरे रे रे सेठानी जी की चैन खातर तू मेरो चैन लूट रखो है, मैं हाथ के अंदर लिया बैठो भाई। अरे हाँ भाई हाँ, सुजानगढ़ डाले जे डी जे ज्वेलर सु लेकर आयो। हाँ अब भाई तू फोन रखेगी जब मैं लेकर आऊंगा नी है। हाँ अब तू मैंने खानो तो गाल देगी नी घर आते ही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ रहे हो लेकर आ रहे हो भाई। हाँ हाँ तो सेठा नहीं भाई राजी हो जाओगी है। हाँ चलो भाई, जय भैरवनाथ। बेल्ट किने? अरे मैडम जी कटे बात करन लाग रहे हो, आ देखो राजस्थानी धोती, इंग मैंने बेल्ट की जरूरत नहीं पड़े, इंग मैंने तो नाड़ो हुआ है, वो बेल्ट सु भी बहुत तकड़ो हुआ है। अरे वही बेल्ट की बात कौन करूं, सीट बेल्ट कड़े। ओहो बूढ़ो आदमी मैडम जी भूली लाग गई, आ देखो मैडम जी आ सीट रही और बेल्ट रही हो। मैडम जी वो तो मेरो नहीं लगाओ, तो कंपनी को लगाओ। हाँ तो कंपनी क्या खातर लगाया? हाँ मैडम जी वो तो हूँ कहाँ कर बताऊँ कभी कंपनी का खातर लगाए हुए है, इस विषय में हमारी कंपनी से आगे कोई बातचीत हो ही कोनी। ताऊ जी एक काम करो, अंदर बैठो हूँ बताऊँ था। अरे बैठो। ओके। बस सीट बेल्ट लो बिनो। ईर खातर लगावा कंपनी के ताकि ते अचानक कदी ब्रेक मारो हर थान मुंडे उ बिड़गा अट्टे सिरे सो नहीं हो जावे, थान सुरक्षा रेवे। अरे रे रे मैडम जी ओ तो मने भी मालूम है। तो बेल्ट लगायो क्यों कोनी? के सीट बेल्ट। अरे की रे मैडम जी थाने। अरे मैडम काई बाता करन लाग रहो, मैडम ओ लगाउडो तनी। अरे भाई इन आई भाई इन आई। ओ भाई मेरे छोटो सीट बेल्ट लागड़ो कौन लागड़ो छोटो बताओ तो मैडम ना लागड़न काका। आ देख लो ए गेरे के सीट बेल्ट को लगाओड़ो का आपके तो।
क्यों मैडम की नहीं दिखाने खोटी करो, अगलो कोई जरूरी काम भी जातो हो सके। जातो हो सके? अरे भाई हूँ तो जरूरी काम भी ना घर से बाहर ही को निकलू नी। कमाल करो, खोटी कर दिया मैडम जी। थोड़ी देर बाद मैडम जी यहाँ जगह बदले हूँ की गोनी वानी। अब चलो मारे उस्ताद जी कने बे जिकी बात कर गया नी बा एकदम साची होगी वो डेन थाने टोपी पहरा गयो। चलो चलो। अरे इन्हें भी ना देखो तो चलो फटाफट। बंटी दिमाग में जचा ले नी जिकी दिखे इंसान ने तन लागे वो मन टोपी पहरा गयो। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग में भी उस्ताद रोंग नंबर लगेड़ा है और मन दिखे वो पाछो आऊं तो। पाछो आऊं तो? हाँ वो देख। अरे मैडम जी मारे से मैडम जी गलती होगी। मैडम जी मैं सीट बेल्ट लगानो जल्दबाजी के मैंने भूल गया मैडम जी। अब तो मैडम जी मैं अपने अपने गली गली में सीट बेल्ट लगवा देसु। मुड़गा आके दी गलती कौन करूँ। मैडम जी आप मेरा चलान काटो 1000 रुपया सीट बेल्ट को और 1000 रुपया मैं थरसा गु शरीर लगाई पीरो। काटो मैडम जी। काट बने चलान काट। लो ओ भरे जी क्यों बात सो मैडम जी। अब मैडम जी देव आप मैंने मेरी सेठानी नीचे ने घर नहीं पड़न दे जी। करो मैडम जी कृपा करो। ठीक है मैडम जी धन्यवाद। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। और मैडम जी आ गया फड़े। और डैन जिगते हम नाटक करते नहीं नाड़ो पजामो बेल्ट सीट वो बीटे भी समझ गयो टोपी बाज है तेरी आंखें मन को सपना दिख रहे हो आ जो डैन मैडम टोपी पर आई हूँ दो फटकार में बीरो चलान काट देती और तेरा सपना तोड़ देती बी टाइम ही पर मन यहाँ करना को नहीं हो मन उदाहरण से आगे करना ताकि तेरी आंखें सू भी उस्ताद और चश्मा उतरे। फिर अचानक मेरा ध्यान गयो बिन डैश बोर्ड पर पड़ी भी डबली पर फिर हूँ आइडियो लगायो और हूँ गई ना गाड़ी में सीट बेल्ट पर आना। सीट बेल्ट तो पहना ही पर धीरे से कहां थी पर डबली तचका ले ताकि तन्ने हर बिना सागे सबक सिखा सकूं। हर संजोग हुआ डबली खाली कौन निकली जगह अगला आया तित्तर होड़े गली गली भटकतो भटकतो अपन ढूंढ तो। वाह मैडम जी बाकी तेरे तो जची गी के बाद मैडम ने टोपी पहरा गयो और उस्ताद तेरे नजर में हीरो बन गयो। हां मैडम जी भविष्य कोई गिरो कौन बता सके धरती पर बंटी बस ठीक है कई बार तुक्का भिड़ जाए रहा पर लट्टू हो जाए था लुटेरा पर। सही बात है मैडम जी। राम राम सा इस वीडियो का सभी पात्र काल्पनिक है। वो वीडियो किसी कोई लेने देने को रखा वीडियो महज एक मनोरंजन की दृष्टि में बनाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्यार आशीर्वाद हमेशा यही बनाए रखियो।